हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आई एस माई नेम इज़ मनीष मित्तल एंड इन दिस वीडियो वी विल सी कि कौन सी न्यूज़ आपको आज के न्यूज़पेपर में यानी कि तीन फ़रवरी 2021 के न्यूज़पेपर में पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर अपडेटेड वेन वी पोस्ट दीज वीडियोज़ डेली तो आज देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ पढ़नी है और आज का न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आइटम्स आज के न्यूज़पेपर में हमें मिलती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़ ऑन द फर्स्ट पेज एमेज़ोन relief एज हाई कोर्ट स्टेज फ्यूचर रिलायंस डील तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर का जो डिसीजन है उसके ऊपर ये न्यूज़ है तो ये आपको पढ़ना है ज़रूर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू राइट तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर का जो ऑर्डर है वो इंडिया में भी एनफोर्सेबल होगा तो इससे अमेजॉन को जो है रिलीफ मिल गई है फ्यूचर रिलायंस जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो आपस में डील हुई थी उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको ये पढ़ना है ओके फर्स्ट न्यूज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंडली ये जो न्यूज़ है सुकीज़ पार्टी डिमांड्स आर रिलीज ये बेसिकली uh, म्यांमार में जो वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं सान सूकी हु इज़ ऑल्सो अ नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट तो उनके खिलाफ वहाँ की मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया या कू कर दी है कु दता और कू मिलिट्री कू दे हैव स्टेज अगेंस्ट हर गवर्नमेंट पार्लियामेंट सब कुछ वहाँ पे सीज कर लिया है एंड शी हैज़ बीन अरेस्टेड अलॉन्ग विद अदर लीडर्स ऑफ अर पार्टी राइट right? तो उनकी पार्टी का नाम है एन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी तो इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आज के दोनों न्यूज़पेपर्स में तो वह आप पढ़ सकते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके okay? तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में आई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मूविंग टू दी अदर पेजेस लेट इस कम टू पेज नंबर सिक्स तो पेज नंबर सिक्स पे राइट uh, right की साइड में जो आपको आर्टिकल्स दिखेंगे इट्स गुड बाय टू फिजिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड अ नॉर्मल बजट फॉर एब टाइम्स ये दोनों क्रिटिकल आर्टिकल्स हैं बजट के ऊपर बजट को क्रिटिसाइज़ करते हुए क्रिटिकल आर्टिकल्स हैं तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं बजट बेसिकली इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट इन द एंटायर ईयर तो इस न्यूज़पेपर में आप ये दोनों आर्टिकल्स क्रिटिकल हैं अपने पढ़ सकते हैं अगर आप ओपिनियन डेवलप करना चाहते हैं सिमिलरली दिस आर्टिकल पोल पॉट ये एडिटोरियल है बेसिकली तो पोल पॉट हो गया एंड देन सेट बान म्यांमार तो इसे तो आप फ्रंट पेज वाली न्यूज़ से ज़रूर लिंक करेंगे तो इसे आपको पढ़ना है जो ये वाला आर्टिकल है इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स कैसे गाइड करती है बजट डिसीजनस को कि जो अपकमिंग एलेक्शन हैं आसाम में हों चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो या केरला में हो हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलोकेटेड डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ Uh, money to these three states in which polls are pending. So, this we will discuss. So, in a way, you can read all the four articles on today's editorial page. On the next page, this page number seven, there is no important article that you can read. Page number ten UK variant mutation causes. कंसर्न तो यूके में जो कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट मिला है उसके काफ़ी सारे केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं एंड इट हैज़ कॉज्ड कंसर्नज इन दैट कंट्री काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अभी भी यूके के टू एंड फ्रो जो फ्लाइट्स हैं वो बैन की हुई हैं ये नया वायरस है ऑलरेडी द कोरोना वायरस हिज नाउ स्टार्टिंग टू सब्साइड और अब वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए ऐसे में अगर एक नया म्यूटेशन आ जाता है तो इट इज़ अूज कंसर्न फॉर द इंटायर वर्ल्ड तो इसकी क्या क्या जो है इसका नई वैक्सीन पे क्या इफेक्ट होगा इसके कितने फैलने के चांसेस हैं क्या इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए दिस न्यूज ई सी टी फियास्को इंडियन एनवाय मीट्स गोटाबाया महिंदा इसमें बेसिकली श्रीलंका में एक पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा था बट आफ्टर इंटरनल ऑपोजिशन फ्रॉम श्रीलंका इंडिया को उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया है तो इसके ऊपर न्यूज़ है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इंडियन एक्सप्रेस में भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ये आपको ज़रूर पढ़नी है देन दिस वन जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन वाटर बॉडीज़ जल जीवन मिशन में अर्बन वाटर बॉडीज़ जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन डिजर्टिफिकेशन कटिंग ऑफ ट्रीज डिफॉरेस्टेशन उनको रिवाइव करने पे ऊपर ज़ोर दिया जाएगा इस न्यूज को आपको पढ़ना है फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशंस लेटस मूव टू वर्ड्स पेज नंबर थर्टीन अगेन म्यांमार के ऊपर ये न्यूज है ये भी न्यूज है तो म्यांमार की न्यूज काफी ज्यादा आज डिस्कस की गई है अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग एडिटोरियल्स uh, में इफ यू मूव टू द सेकंड न्यूज़पेपर व्हिच इज द इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस में भी दिस इज़ द न्यूज़ ऑन द इंडिया पा इंडिया श्रीलंका पोर्ट डील तो फेसिंग प्रोटेस्ट्स लंका स्क्रैप्स इंडिया पोर्ट डील ऑफर्स अनदर अदर प्रोजेक्ट तो श्रीलंका ने इंटरनल प्रेशर में आते हुए इंडिया के साथ जो उसकी पोर्ट प्राइवेटाइजेशन की डील थी उसको कैंसिल कर दिया है एंड नाउ इट विल अलॉट समथिंग एल्स टू इंडिया तो इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशंस है वो थोड़े से हिट हुए हैं बट

तो ऐसे में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी इंडिया के लिए दैट्स वाई इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस दैट सिचुएशन एंड इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड बाई इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड बाय ट्राइंग टू हैव गुड रिलेशन विद ऑल दीज कंट्रीज इसी डायरेक्शन में इंडिया ने अभी अभी बहुत सारे कोविड वैक्सीन के जो वायल्स हैं लैक्स ऑफ वायल्स हैव बीन सप्लाइड टू दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव्स, नेपाल भूटान ये सभी कंट्रीज में इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड वैक्सीन जो है वो सप्लाई की है एज अ गुडविल जस्टर दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो ऐसे में अगर ये डील कैंसिल होती है इट्स अ बिग सेट बैक टू इंडिया देन ऑन मोस्ट ऑफ द पेजेस देर आर नो इंपॉर्टेंट न्यूज बट लेटस गो एंड सी

रशिया वैक्सीन इज़ नाइंटी वन परसेंट इफेक्टिव रीडिंग फेज थ्री ट्रायल रिजल्ट तो जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक उस उसकी एफिकेसी जज की गई है विच इज़ नाइन्टी वन परसेंट साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से अच्छी डिवेलपमेंट है इंडिया में ऑलरेडी दो वैक्सीन यूज़ हो रही हैं एक कोवैक्सिन विच हैज़ बिन डिवेल्प बाय भारत बायोटेक एंड देन देर इज कोविशील्ड विच हैज़ बिन डिवेलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका तो ये दो वैक्सीन अभी तक इंडिया में यूज़ हो रही हैं और इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है एंड इंडियाज़ वैक्सीनेशन ड्राइव इज़ वन ऑफ द बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर uh, की जा रही है बहुत अच्छी उसकी एफिकेसी आ रही है बहुत कम एडवर्स uh, इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं अभी तक पॉइंट जीरो 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 एट परसेंट इज़ दी एरर मार्जिन यानी कि इतने कम लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज़ किए गए हैं हाँ अब तक वैक्सीन की वजह से तो काफ़ी अच्छा सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है इवन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेज हैेज इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजिडेंट हैज ऑल्सो प्रेज्ड इंडिया इन इट्स यू नो स्टेडफास्टनेस एंड प्रोएक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन तो एक अच्छा प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट कर रहा है इंडिया ऑन द इकोनमी पेज बजट के ऊपर आर्टिकल्स हैं कुछ जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है ए आर सी टू हैव नो गवर्नमेंट इक्विटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट बैंक्स टू सेटेटअप ए आर सी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ए आर सी जैसे कि बैड बैंक भी कहा जाता है तो सारे बैंक्स में जो स्पेशल मैंशन एसेट्स हैं या जिन्हें हम बैड लोन्स भी कहते हैं या एन पी एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो उनको क्लब करके एक बैंक बनाने की जो प्लानिंग बहुत देर से चल रही है उसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मटीरियलाइज करने की कोशिश की है इसे बजट में प्रपोज किया गया है कि एक ए आर सी सेटअप की जाएगी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी एंड इट विल बी सेटअप बाई पी एस बीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा एंड दिस विल भी डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वट इज़ द नीड ऑफ अ बैड बैंक और एन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी हाउ कैन इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एन पी एज़ एंड वाई इज़ इट नेसेसरी एन पी एस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले एक साल में कोरोना वायरस की वजह से और इकोनॉमी डाउन जाने की वजह से बहुत सारे बिजनेसिस थे विच वर नॉट एबल टू रिटर्न देयर लोन्स ई एम आईज वो टाइम पर भर नहीं पाए ऑल द गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लॉट ऑफ कंसेशन टू दैम बट सम जस्ट कुड नॉट पिकअप तो उस वजह से एन पी एस की प्रॉब्लम बढ़ गई है तो ये इसके ऊपर आर्टिकल है न्यूज आइटम है इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि एआरसी का रोल क्या होगा कैसे वो एक अच्छी अच्छा टूल साबित हो सकती है बैंकिंग सेक्टर के लिए देन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर एंड बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी न्यूज एनालिसिस इसमें किया गया है सो दिस न्यूज यू हैव टू रीड फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पर्स्पेक्टिव राइट देन सो दिस इज़ इट दैट यू हैव टू रीड इन दिस टू न्यूज़ पेपर्स काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स हैं इंडियन बजट के ऊपर उन्हें आप स्पेयरिंगली पढ़िए सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्राई टू स्टिक टू ओनली दोज आर्टिकल्स विच यू फाइंड रेलिवेंट वट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ द न्यूज़ पेपर ऑफ सेकेंड ऑफ फेबररी सेकेंड ऑफ फेबर यानी कि जो कल का न्यूज़ पेपर था दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स लाइक यू हैव टू रीड वेरी रीड इट वेरी केयरफुल एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आउट ऑफ इट उसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स बहुत सारे नए प्रपोजल्स अक्रॉस द सेक्टर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी सर्विस सेक्टर एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं जो जो नए प्रपोजल्स हैं वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए जितना हो सके ट्राई टू रिवाइज इट बिकॉज दे कैन बी यूज इन वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सो दैट इज़ इट दैट वी हैड टू रीड इन द न्यूज़पेपर टुडे काफ़ी कुछ है आज न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए सो जस्ट गो एंड रीड द न्यूज़पेपर नाउ Now that you know which news you need to study. Thank you, and do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you, and have a nice day.